दुर्ग सांसद विजय बघेल 15 मार्च को अपने जन्मदिन के दिन सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुद्देशी कल्याण संस्था के कार्यालय पहुंचे। आश्रम में निवासरत बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सांसद की आरती उतार कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद दिया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल का जन्मदिन पूरे जिले भर में हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। सांसद विजय बघेल ने सुबह देवस्थलों में जाकर भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। सांसद विजय बघेल सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशी संस्था के कार्यालय पहुंचे। आश्रम में निवासरत वृद्ध माताओं द्वारा सांसद की आरती उतारकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। विजय बघेल आश्रम में निवासरत माताओं और बुजुर्गों के बीच काफी वक्त तक रहे और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर उनका कुशलक्षेम पूछा। आस्था आश्रम में सांसद ने बुजुर्गों के बीच फल वितरण भी किया, साथ ही संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। ये मेरा हर साल का रूटीन है और मैं जब तक अपने प्रिय लोगों से नहीं मिल पाता तब तक मेरा जन्मदिन अधूरा रहता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना प्रेम इतना स्नेह भाइयों से बहनों से माताओं से मेरे युवा साथियों से और छोटे छोटे बच्चों से इतना मिलता है। सबसे सौभाग्यशाली इसके लिए मैं अपने आप को मानता हूँ और यही प्रेम आज मुझे ये ऊंचाई दी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जीवन में प्रेम और स्नेह हो दिल का रिश्ता हो तो उससे बड़ी पूंजी और उससे बड़ा पद कोई नहीं होता और मुझे हमेशा से वो लाड़ प्यार स्नेह मिला है और मैं भी चाहता हूँ जो मुझे स्नेह करते हैं प्यार करते हैं मुझे आदर देते हैं मुझे सम्मान करते हैं उनसे बढ़कर मैं उनको सम्मान दूँ उनका आदर करूँ उनको प्रेम करूँ और ईश्वर ने और मेरे माता पिता ने यही संस्कार मुझे दिया है। ईश्वर ने यही आशीर्वाद मुझे दिया है। आज मैं 62 वर्ष का हो गया। 1960 15 मार्च को मेरा जन्मदिन और आज ये सौभाग्य कि मंगलवार के दिन ही मैं पैदा हुआ था और आज मंगलवार पड़ा है। हनुमान जी की कृपा है, संयोग की बात है और मैं जो हमारे बुजुर्ग माता पिता जो आश्रम में रहते हैं उनसे दिव्यांग जनों से और वहाँ स्नेह संपदा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाकर इस मेरे इस खुशी के अवसर को मैं उनके साथ साझा करूँ क्योंकि जीवन में एक शाश्वत सत्य है सुख और दुख। सुख बांटने से खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। ये मैंने सीखा है संत महापुरुषों के मुखारविंद से और मैं यही अपने सुख के इस क्षण को अपनी पत्नी के साथ आज के इस दिन को मैं उनको समर्पित करता हूँ और उनके लिए मैं कुछ कर जाऊँ कुछ कर सकूँ उसके लिए हमेशा जीवन भर प्रयास करता हूँ। आस्था बहुउद्देशी कल्याण संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर सांसद विजय बघेल आश्रम आकर बुजुर्गों के बीच अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैं प्रकाश कुमार गेडाम आस्था बहुउद्देशी कल्याण संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय सांसद विजय बघेल जी अपना जन्मदिन मनाने अपने आस्था संस्था के सभी वृद्धों के बीच में आए, वृद्ध लोगों से आशीर्वाद लिया, वृद्धों ने भी उनके आशीर्वाद प्रदान किया। विजय भैया जी हमारे संस्था से सन 2002 से जुड़े हुए हैं। इनके उस समय हमारे सांसद पूर्व सांसद ताराचंद साहू जी भी जुड़े थे, साथ ही साथ उन्होंने हमारे संस्था को सहयोग करते आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया विजय बघेल जी का और विजय बघेल जी संस्था में आकर बहुत खुश हो जाते हैं वृद्धों को जन्मदिन मनाकर और हमारी संस्था आगामी 27 मार्च को पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 151 निर्धन निःशक्त कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं निःशुल्क। इसमें भिलाई शहर के जितने भी कुछ जो दानदाता है उनके दानदाताओं के माध्यम से उनको सामान वितरित किया जाएगा और अयप्पा मंदिर सेक्टर 2 भिलाई में भव्य रूप से उनका विवाह कराया जाएगा जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सांसद जी उपस्थित रहेंगे और ये कार्यक्रम हमारा 16 वर्षों से लगातार जारी है। अभी तक संस्था के द्वारा 1735 निर्धन दिव्यांग कन्याओं का अखिल भारतीय स्तर पर जोड़ा बनाया गया है और इस साल भी 151 लोग का जोड़ा करेंगे। इसका संस्था इसके अलावा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करती है
और हमारा वृद्धाश्रम है यहाँ पे, हमारे वृद्धाश्रम में 45 बेसहारा वृद्ध रहते हैं, जो आसपास के सभी सभी राज्यों के एक दो लोग रहते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब जगह से। ऐसा हमारा ये कार्यक्रम चलता है, जब तक ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते रहेगा हम सेवा करते रहेंगे। और सभी लोगों को आज विजय भैया की तरफ से शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, हम उनको सुखमय जीवन के ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य। सांसद विजय बघेल को बधाई और शुभकामनाएं देने आस्था संस्था में शकुंतला ग्रुप के संजय ओझा, भोजपुरी परिषद के प्रभुनाथ बैठा सहित अनेक लोग उपस्थित हुए और सांसद विजय बघेल के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।